अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ ड्रामा सीरियल रकीब से मैं अपनी अदाकारी के जोहर दिखाने वाली मशहूर पाकिस्तानी सिंगर हदीका कियानी की मुकम्मल बायोग्राफी शेयर करूंगी। तो अगर अभी तक आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। इनका रियल नेम हदीका कियानी और निक नेम हदीका है। इनका प्रोफेशन सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 11 अगस्त 1974 है और इनकी मौजूदा उम्र 46 साल है। इनकी वालदा का नाम खावर कियानी है, जो कि एक शायरा हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम नादिर अली है। इनकी बर्थ प्लेस रावलपिंडी पाकिस्तान है। इनकी हाइट 5 फीट 5 इंचेस और वेट 55 केजी है। इनका आई कलर डार्क ब्राउन और हेयर कलर ब्लैक है। इनका रिलीजन इस्लाम है। इनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी और इनका होम टाउन रावलपिंडी है। इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजियोलॉजी है, जो कि इन्होंने कनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। इन्होंने पहली शादी 1997 में हमाद नामी शख्स से की और 2003 में इन्होंने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली। इन्होंने दूसरी शादी 2005 में सैयद फरीद नामी शख्स से की, जो कि एक बिजनेसमैन थे, और 2008 में इन्होंने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। ये अब तक बेस्ट पाकिस्तानी सिंगर का अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। इनकी बहन का नाम साशा कियानी है और इनका भाई है जिसका नाम इरफान कियानी है। इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग का आगाज 1995 में सरगम फिल्म से किया और इनकी डेब्यूट एल्बम राज 1996 में रिलीज हुई। अब तक हदीका कियानी कई मशहूर गाने कर चुकी हैं और इसके अलावा अब हमें अदाकारी के जोहर दिखाती हुई भी नजर आ रही हैं। इनके गानों में बूहे बारियां, उडारी ड्रामे का टाइटल सॉन्ग, होना था प्यार, कमली, जानान, बंधे एक डोर से का ओएसटी सॉन्ग, एक पल और मोहब्बत ना करियो का ओएसटी सॉन्ग शामिल है। इसके अलावा ये कई और भी सॉन्ग कर चुकी हैं और अब हमें ये ड्रामा सीरियल रकीब से हमें अपनी अदाकारी के जोहर दिखाती हुई भी नजर आ रही हैं और मुस्तकबिल में ये हमें पाकिस्तानी मशहूर चाइल्ड सिंगर हादिया हाशमी के साथ अपने न्यू प्रोजेक्ट में नजर आएंगी और इसके अलावा ये कई ड्रामों में भी हमें मुस्तकबिल में नजर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।